हाय हेलो, सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेलो डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है मेलो की डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। ये मेलो के प्रोडक्ट्स हैं। 1-1.5 महीने से ही मैं मेलो के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट फील हुए हैं। इसकी डे क्रीम एंड नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ये क्रीम परचेज की है। इसे मैंने अपने लोकल मार्केट स्टोर से बाय किया है। मेलो के प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप भी अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप एक बार मेलो के प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करके देखिए। इससे आपकी फेस की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है मेलो की डे क्रीम। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, देन रोज़ वाटर अप्लाई करना है। उसके बाद आप डे क्रीम यूज़ कीजिए। चंदन एंड मुलेठी इसमें ऐड है। चंदन एंड मुलेठी की ये क्रीम बनी हुई है विद सन प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, इसमें हमें सन प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अगर आप इस क्रीम को अप्लाई करते हैं तो आपको अलग से कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रीम आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगी। नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्रीम स्पेशली है। मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो हमें इस क्रीम को लगाने से हमारे फेस पर ड्राइनेस भी नहीं होगी। हमें अलग से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें कोई भी सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी हैवी इसकी बॉटल है। चंदन एंड मुलेठी डे क्रीम विद सन प्रोटेक्शन नॉर्मल टू ऑयली स्किन। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो आपको ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग क्रीम देंगे। मेन इसके जो इंग्रेडिएंट है वो चंदन मुलेठी एंड एलोवेरा है। हमें अपने हाउ टू यूज फ्रेंड्स बताया है, अप्लाई ऑल ओवर फेस 15 मिनट्स बिफोर गोइंग आउटसाइड। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको उससे 15 मिनट पहले इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। थोड़े ही दिन में आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 290 इसका MRP रेट है एंड 10% मुझे इस पर डिस्काउंट मिला है। 2019 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है एंड 2022 इसकी एक्सपायरिंग डेट है। अच्छी खासी हमें इसकी शेल्फ लाइफ मिल रही है। तो कुछ इस तरह की ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन कलर का इसका कैप है एंड ये ट्रांसपेरेंट इसकी ये बॉटल है। वाइट कलर की ये क्रीम है। तो फ्रेंड्स, ये है मेलो की नाइट क्रीम। ये ऑल स्किन टाइप है। नाइट क्रीम में सिर्फ और सिर्फ हमें यही क्रीम मिलेगी जो ऑल स्किन टाइप है। हर कोई स्किन वाला इसको यूज़ कर सकता है। एलमंड एंड हनी इसमें ऐड है। नाइट क्रीम यूज़ करना फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारी एज 30+ हो जाती है तो नाइट क्रीम का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स, एक्ने, रिंकल्स की प्रॉब्लम, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम हो रही है वो नाइट क्रीम से ही सॉल्व होती हैं। एलमंड एंड हनी वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको नाइट क्रीम का मतलब ही यही है कि इसे हमें सोने के टाइम ही अप्लाई करना है। आप नाइट क्रीम लगाकर बिल्कुल भी, जब आप अपने रूम की लाइट ऑफ कर देते हैं, आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना, देन आप नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छे, थोड़े ही दिन में बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 360 इसका MRP रेट है एंड 10% इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एलमंड एंड हनी से ये क्रीम बनी हुई है। बहुत ही अच्छे वाले इसके रिजल्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार मेलो की ये डे क्रीम और नाइट क्रीम ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको इसके बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको डे क्रीम अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेलो की डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और रोज़ वाटर मैंने अप्लाई किया है, स्प्रे किया अपने फेस पर और अब मैं डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। जब मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती क्योंकि इस क्रीम से मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी वर्क करती है।
बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है हमारे फेस पर इसे लगाने से। आप देखेंगे कि मेरे फेस पर नेचुरल सा ग्लो लगेगा। इसकी स्मेल बहुत ही लाइट है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, मुझ सन से भी प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए कोई भी अलग से सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से अपने फेस पर इसकी मसाज कीजिए, ताकि क्रीम आपके स्किन में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे फेस पर कितना अच्छा एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।